Today in English grammar we are starting a new topic after the tenses, that is voice. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं voice. कि voice किसे कहते हैं English grammar के अंदर और किस तरह से हम voice की conversion करते हैं. देखो एक voice क्या मतलब होते हैं आवाज़. ठीक है that's like you are listening to my voice, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो. और एक voice क्या मतलब होता है अंदाज़े बयां, बयान करने का अंदाज. तो किसी भी बात को बयान करने के दो तरीके हो सकते हैं. इधर अ सेंटेंस विल बी रिटन इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो क्या फर्क होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, आज हम इसको समझेंगे. देखो एक्टिव के मतलब तो होते हैं चुस्त, चुस्त मतलब फुर्तीला. और पैसिव के मतलब होते हैं सुस्त, लेजी, काहिल, कामचोर. ठीक है. तो एक्टिव और पैसिव ये दो वर्ड्स होते हैं, एक मतलब चुस्त होता है और एक सुस्त होता है. इसी वर्बल डेफिनेशन को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इनको डिफाइन करने के लिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है. सेंटेंस दो तरह से लिखे जा सकते हैं, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी. अगर मैं कहता हूँ आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, तो एक्टिव वॉइस में. अगर मैं कहता मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, आम मेरे जरिए खाया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस में. अब एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस होता है तो उस वक्त सब्जेक्ट एक्टिव होता है. सब्जेक्ट एक्टिव होता है सुमरा सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, इसलिए हम उसका एक्टिव वॉइस कहते हैं. जबकि पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो पैसिव होता है. ठीक है. तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो ऑब्जेक्ट पैसिव होगा, और पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट पैसिव होता है तो फिर ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है. मिसाल के तौर पे मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो. यहाँ सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और मैं काम कर रहा हूँ, तो आई यहाँ पर एक्टिव है जबकि मैंगो यहाँ पर पैसिव है क्योंकि उस पर काम हो रहा है. यही अगर हमें कहो मैंगो इज ईटन बाय मी, आम मेरे जरिए खाया जाता है, तो अब यहाँ पर अब जो ऑब्जेक्ट था वो एक्टिव हो गया, जो मैं जो है वो पैसिव हो गया हूँ. तो इसलिए एक्टिव और पैसिव दो तरह के वॉइसेस होते हैं, एक में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और एक में सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है. अब एक सवाल जहन में आता है कि वाई डू वी यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हम कब एक्टिव वॉइस और कब पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं. तो याद करें एक्टिव वॉइस कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा तो उस वक्त हम एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करेंगे, और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा तो फिर पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे सवाल किया हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन किसने ईजाद किया, तो अब आप इसका जवाब जो दोगे वो एक्टिव वॉइस में दोगे. क्यों? बिकॉज आपसे जो काम जिसने किया सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप कहते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, दिस इज एक्टिव वॉइस. अच्छा अगर दूसरा सवाल किसी ने आपसे ये किया कि टेलीफोन कब ईजाद किया गया, व्हेन वॉज द टेलीफोन इन्वेंटेड, अब इसका जवाब एक्टिव वॉइस में नहीं होगा क्योंकि अब आपसे पूछा नहीं जा रहा कि काम करने वाला कौन है, जिस चीज़ पर काम हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है वो कब बनी. तो आप कहते हैं टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन 1930. तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के टेलीफोन को 1930 में ईजाद किया गया. किसने ईजाद किया बताने की जरूरत है, जो कि सवाल में पूछा ही नहीं जा रहा. वैसे तो ये भी कह सकते थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1930, बट वो एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है ना, तो यूजलेस हो जाती. बेहतर ये होता है कि हम जस्ट जो पूछा गया उसी के बारे में जवाब दें. इस तरह से कभी कभार होता है ना, कलम है, पेन वगैरह, या पेन वगैरह आपकी क्लासरूम में कहीं स्टील हो जाती है या चोरी हो जाती है, खो जाती है, तो आप ये कहते हैं ना कि आपको पता नहीं होता किसने चोरी किया, तो आप ये कहते हैं कि माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, मेरा कलम चुरा लिया गया है, या मेरा कलम चोरी हो गया है. अब चूंकि सब्जेक्ट के बारे में तो आप खुद ही नहीं जानते, तो आप एक्टिव वॉइस में नहीं बोलते, डायरेक्ट पैसिव वॉइस उर्दू में कहते हैं कि यार मेरा कलम चोरी हो गया है. किसने किया है हम नहीं जानते, तो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, क्योंकि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था ना, उसके बारे में आपको जानकारी है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका कलम है जो चोरी हो गया. ठीक है. बिल्कुल इस तरह से आई वॉज बॉर्न इन 1991, मैं 1991 में पैदा हुआ, ये भी पैसिव वॉइस होता है. मैं पैदा हुआ 1991 में, कभी ये नहीं कहते माई मदर बोर मी इन 1991, कि मेरी वालदा ने मुझे 1991 में पैदा किया, क्योंकि बिकॉज ये अंडरस्टूड बात है, हर एक बच्चे को उसकी माई पैदा करती है. तो बहुत सेंटेंसेस हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पैसिव वॉइस के इस्तेमाल करते हैं, या फिर ज़्यादातर जो हम साइंटिफिक जो बातें कर रहे होते हैं वो पैसिव वॉइस में कर रहे होते हैं, क्योंकि साइंस एक ऑब्जेक्टिव कह लो सब्जेक्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डील, ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो ज़रूरी होता है, जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है, काम करने वाला ज़रूरी नहीं है. जैसे
पानी को उबाला गया कि पानी को उबाला किया, वाटर वॉज बॉइल्ड, ठीक है। तो अब कौन किसने पानी उबाला ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो काम हो रहा है वो ज़रूरी होता है साइंस के अंदर। तो बहुत तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो तो एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो तो फिर पैसिव वॉइस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, एट व्हाट प्लेसेस वी यूज पैसिव वॉइस इन आवर डेली लाइफ। द एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है, एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है सबसे पहले। जितने भी आपने 12 टेंसेस पढ़े ना, मैंने आपको 12 टेंसेस पढ़ाए हैं, और जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है सारे, के हर टेंस 12 टेंसेस सब टेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन कोई ना कोई वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, है ना भाई। 12 के 12 टेंस इसी स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। पैसिव वॉइस अगर आप उसको बनाना हो तो, चूंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो सब्जेक्ट को स्टार्ट में रखा जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले ले आते हैं, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी तब्दीली के साथ चेंज करके हम लिखते हैं, ठीक है। देन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म के अलावा दूसरी और कोई फॉर्म नहीं आती पैसिव वॉइस के अंदर। देन बाय लगाते हैं और बाय के बाद जो बच गया सब्जेक्ट वो लगा लेते हैं, तो इस तरह से रिवर्स कर देते हैं पैटर्न को। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट आखिर में आ जाता है, और सब्जेक्ट से पहले हम ये बाय का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और हमेशा वर्ड की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, कभी और दूसरे कोई फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर वी नेवर यूज, हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, इसका पैसिव बनाना है तो ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करें, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आ जाए, तो ये हो जाएगा मैंगो। देन उसके बाद इज एम आर है वो चेंज होगा इज बीइंग में, मैं बता दूंगा किस तरह चेंजिंग होती है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ पर ईटिंग हो जाएगी ईटन, देन बाय आएगा और बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा। जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस जब वो एंड में लगेगा तो क्या बन जाएगा, वो मी बन जाएगा। तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, समझ में आ रही बात। अब ये हेल्पिंग वर्ब किस तरह से चेंज होता है इसके बारे में इसको मैं समझाता हूँ। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग एक करके जो है वो टेंस के बारे में वर्ब की तब्दीली जाने, मैं यहाँ पर एक ही साथ आपको जो है वो 12 टेंसेस के अंदर चेंजिंग बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग किस तरह से होती है। मैंने सारे 12 टेंस लाइन से लिख दिए, उनके हेल्पिंग वर्ब मतलब मैंने लाइन से लिख दिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस डू डस होता है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन होता है, पास्ट सिंपल डिड होता है, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर होता है, पास्ट परफेक्ट हैड होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन होता है, फ्यूचर सिंपल विल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी होता है, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन होता है। अब किस तरह से टेंसेस को चेंज करना है, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ। तो याद रखिए कि एक्टिव से पैसिव की तरफ मैं चेंजिंग बता रहा हूँ एरो से शो करके। इसमें एक रूल लगता है हमारे पास, जब इसको याद रखिएगा, इसके ट्रिक क्या है हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं जंपिंग रूल। जंपिंग रूल लगाना होता है, जंपिंग रूल से मतलब क्या कि जंप करते रहते हैं हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे के साथ। जैसे डू डज है, ये जंप करेगा किस पर चेंज हो जाएगा, इज एम आर में, तो डू डज इज एम आर में चेंज हो जाएगा, और हैज किस में चेंज हो जाएगा, चेंज हो गए हैज बीन हैव बीन में, डिड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में, हैड किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में, और विल हैव किस में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन में। मतलब जंप 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 और जंप, ठीक है, सिंपल। तो ये एक दो टेंस मैंने चेंज करके बता दिया, फिर ये दो टेंस चेंज करके बता दिया, फिर ये दो टेंस चेंज करके बता दिए। और चार टेंस ऐसे हैं जिनके एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट नहीं होता, जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते। देर आर फोर टेंसेस, वो सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी ऐसे जिसके एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। विल भी आ जाए तो उसको मतलब कि नहीं बनाएंगे, नॉट पॉसिबल होगा। अब बच गए सिर्फ दो टेंस, एक आपका जो है वो ये टेंस बच गया और एक आपका ये टेंस बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। याद करिए इज एम आर जब भी आ जाएगा ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम क्या करेंगे उसके फौरन बाद बीइंग लगा लेंगे, इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चल जाएगा, और वॉज वर्ब किस में चल जाएगा, वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग में चल जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे कि 12 के 12 टेंस को हम इस तरह से रूल समझ लिया कि किस तरह से उसके हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ,
तो यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब चूंकि यहां पर ये केस कौन सा लगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो डू डस चेंज हो जाएगा इज एम आर में। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर आंसर इसका, मैंगो अब हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू डस किस में जुड़ जाता है इसमें, मैंगो इज वर्ब के थर्ड फॉर्म, ईट के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन बाय, और आई आखिर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी, मैंगो इज ईटन बाय मी। अच्छा जिस तरह से नेक्स्ट है फोर्थ नंबर देखें, शी हैज ब्रश्ड हर टीथ, तो ये वाली कंडीशन है, हैज हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन में। तो ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस हर टीथ, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या पहले ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, तो हर टीथ, ठीक है, उसके बाद हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन में, हर टीथ, हैज बीन, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म पहले से लगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म ब्रश्ड बाय, और शी को जब आखिर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा प्रोनाउन में, दैट इज हर, तो हर टीथ हैज बीन ब्रश्ड बाय हर, ठीक है। क्वेश्चन फाइव है, आई विल पनिश हिम टुडे, कि आज मैं उसे सजा दूंगा, ठीक है, आई विल पनिश हिम टुडे। तो यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, पनिश हो गया वर्ब, और हिम हो गया ऑब्जेक्ट, और बाकी जो भी बच गया वो आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड होता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये हिम है, स्टार्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, ही। अब विल है तो किस पर चेंज हो जाएगा, विल बी, ही विल बी थर्ड फॉर्म वर्ब की पनिश्ड बाय, आई है आखिर में बन जाएगा तो फिर मी। अच्छा छठा एक और टेंस लिख देता हूं मैं यहां पर, आई गो टू स्कूल। अच्छा यहाँ पे कुछ नोट याद रखे, मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए, द देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, के समटाइम्स किसी का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते, वी नेवर क्रिएट। जैसे फर्स्ट वन, चार टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, वो चार टेंस मैंने यहाँ बता दिया, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चार टेंसेस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल आएगा। जैसे शी विल बी टीजिंग मी, अब ये विल बी आ गया ना, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया इसका भाई, नॉट पॉसिबल, कि नहीं बन सकता, तो नॉट नॉट पॉसिबल लिख देंगे। इस तरह से स्टेट या पोजिशन, नॉन एक्शन मतलब जब भी हो रहा तो उसका पैसिव नहीं बनता, क्योंकि जब स्टेट या पोजिशन आ जाए तो उसके अंदर तो एक्शन है ही नहीं, तो एक्टिव और पैसिव का सवाल ही पैदा नहीं होता कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होगा, आई एम योर टीचर, इसका भी नॉट पॉसिबल, एक्टिव से हम पैसिव नहीं बना सकते, वी नेवर क्रिएट इट, ठीक है। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स बना भी देते हैं, जैसे आई एम योर टीचर का, जैसे आई एम सपोज टू बी ए टीचर, तो जॉन ईस्टवुड की जो बुक है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, उसके अंदर जो है वो ये बनी हुई है, आई एम योर टीचर की इंग्लिश, दैट इज या पैसिव बनी हुई है, आई एम सपोज टू बी ए टीचर, सो इट मे बी पॉसिबल, या फिर वैसे हम इसको नहीं भी बनाए, नॉट पॉसिबल ही कह सकते हैं, कि रेयर केसेस होते हैं, मतलब नहीं बनता, अनकॉमन है काफी इसका पैसिव बनाना। इस तरह नेक्स्ट है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव भी पॉसिबल नहीं होता। अब इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब के फौरन बाद प्रीपोजिशन आ जाए उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब जब भी आ जाएगा उसका पैसिव नहीं बनेगा, चूंकि इनट्रांजिटिव वर्ब जब आता है तो सब्जेक्ट जो वर्ब होता है ना, वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा होता, और जब वर्ब का असर या जब ऑब्जेक्ट वर्ब को रिसीव ही नहीं करेगा तो उसका एक्टिव और पैसिव बनना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं, अब परिंदों के हवा में उड़ने से एयर को हवा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बर्ड्स फ्लाई इन द एयर में कोई एक्टिव और पैसिव का सेंस नहीं है, तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर को हम नॉट पॉसिबल कहेंगे, चूंकि फ्लाई के बाद इन आ गया, तो वैसे भी वर्ब के फौरन बाद प्रीपोजिशन जब आ जाएगा तो फिर वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। प्रेपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, टू, फॉर, फ्रॉम, विथ, ये सब वर्ड्स। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, अब गो वर्ब है उसके बाद टू आ गया, तो वर्ब के फॉर्म में प्रेपोजिशन आ गया तो इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका आई गो टू स्कूल का पैसिव नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इट इज द, तो हियर आई हैव डिस्कस द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वॉइस, जिसमें मैंने आपको सिंपल रूल्स बताए कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं, and what are the rules and what are the tricks to convert active into passive voice. बस समझ में आ गया सबको जो चीज़ आज मैंने बताई, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉइस को और ज़्यादा डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे, इंपेरेटिव वॉइस के बारे में, इंटरोगेटिव वॉइस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।